हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मास्टर में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैशो यानी कि काजू की प्रोसेस कैसे की जाती है। आमतौर पर कैशो प्रोसेस बिजनेस के लिए रॉ कैशो की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लोकल मार्केट में 100 से 120 रुपए पर केजी के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले रॉ कैशो को कुकिंग टैंक बॉयलर में जनरेटेड हीट द्वारा 70 डिग्री सेल्सियस पर एक घंटे तक बॉईल किया जाता है, ताकि काजू का सेल सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसे बॉयलर से बाहर निकाला जाता है और स्प्रेड करके 7 से 8 घंटे तक ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। काजू सूखने के बाद कैशो कटिंग मशीन के मदद से इसकी कटिंग की जाती है। बाद सेलिंग मशीन की मदद से काजू की ऊपरी परत को निकाल दिया जाता है। We'll be right back.
उसके बाद काजू को ट्रे में स्प्रेड करके ओवन में फिर ड्राई किया जाता है। उसके बाद काजू को मॉइस्चर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि कैशो की ऊपर की रेड हस यानी कि लाल परत सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद काजू के ऊपर का रेड हस पीलिंग मशीन की मदद से निकाल दिया जाता है। इसके बाद काजू को ग्रेड के हिसाब से मैन्युअली सॉर्ट किया जाता है। अब आपका काजू तैयार है। इन्हें अच्छे से पैक करके मार्केट में सेलिंग के लिए डिस्पैच किया जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।